सो है गाइज, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आज का वीडियो मेरा थोड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरह आप लोगों को नेक्स्ट टाइम वीडियो आते रहेगा। तो जैसे कि आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा फुल स्क्रीन लोगो कैसे क्रिएट करें, तो उसी के बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। आप लोग को समझ में कुछ भी दिक्कत आ रहा तो मेरा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकता है, तो आप लोग को कमेंट का मैंने रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग फर्स्ट टाइम पिक्सल लैब को ओपन करेगा तब आप लोग को इसी तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग थ्री डॉट में इसमें क्लिक कर लीजिए, उसके बाद आप लोग इमेज साइज में क्लिक कर लीजिए, उसके बाद इसको 9 और इस साइड में आप लोगों को 60 कर लीजिए, उसके बाद इसको डन कर दीजिए। ये जो साइज है ये आप लोग को फुल स्क्रीन में होगा। तो ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को आप लोग डिलीट कर दीजिए। तो आप लोग इस साइज में आप लोग आज का जो वीडियो आप लोग को दे रहा हूँ तो आप लोग इस साइज में एडिट करिए। ये जो फुल स्क्रीन और 4K वाला एडिटिंग होगा तो इस साइज में आप लोग इस साइज लेने के बाद आप लोगों को ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर आप लोग इसको चेंज कर दीजिए। इसको मैंने बैकग्राउंड कलर व्हाइट दे देता हूँ। उसके बाद आप लोग प्लस में क्लिक करके इसको शेप ले लीजिए, एक ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का शेप लेने के बाद आप लोग इसको ये एडजस्ट कर लीजिए। इसको एडजस्ट करने के बाद ये मिडिल में एडजस्ट कर लीजिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो इसके बाद आप लोग इसमें क्लिक करके इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने PNG को ऐड कर लिया। उसका बाद ऐड करने के बाद आप लोग इसको जो ब्लैक कलर है उसको रिमूव करना है आप लोगों को। तो उसको रिमूव करने के लिए आप लोग इसमें जो इरेजर कलर पर जाइए, इसको इनेबल करिए और इसको जो कलर है आप लोग कलर इसको सेट कर लीजिए ब्लैक का। उसके बाद ये कर ब्लैक कलर सेट कर लीजिए। ये रिमूव हो गया। इसको टॉलरेंस को आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, इसको डाउन कर दीजिए। उसके बाद इसका जो कलर है कलर को आप लोग चेंज कर लीजिए, इसको कलर को आप लोग ब्लैक में कर दीजिए, इसको डाउन। इसके बाद आप PNG को आप लोग करप्ट कर लीजिए। तो अभी मैंने वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से करिए। उसके बाद करप्ट करने के बाद इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए और उसका भी आप लोग इस साइड को रब कर लीजिए। इसके बाद आप लोग इस साइड को कलर दे दीजिए व्हाइट, इसको डन, इसको एडजस्ट कर लीजिए ठीक से। ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद आप लोग इसको एक टेक्स्ट ले लीजिए। टेक्स्ट लेने के बाद आप लोग उसका जो भी आप लोगों को इधर नेम है देना चाहता हूँ तो मैंने SP कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इसको फ्रंट जो है फ्रंट मैंने चेंज कर लेता हूँ। आप लोगों को जो भी फ्रंट अच्छा लगेगा आप लोग इसमें ऐड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप लोग अगर आप लोग को फ्रंट ऐड करने पता नहीं है तो मेरा चैनल पर पहले से वीडियो है, आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं वीडियो को। इसका जो कलर है कलर आप लोग चेंज कर लीजिए। इस साइड एस में आप लोग व्हाइट दे दीजिए और पी में आप लोग ब्लैक दे दीजिए। इसी तरह आप लोग कलर को चेंज करने के बाद आप लोग इसको थोड़ा स्पेसिंग दे दीजिए इसको, जैसे कि इसी तरह आप लोग मैंने जैसे कर रहा हूँ आप लोग इसी तरह स्पेस दे दीजिए। उसके बाद आप लोग साइज इसको छोटा थोड़ा सा कर लीजिए, इसको एडजस्ट ठीक से कर लीजिए। उसके बाद और एक भी आप लोग टेक्स्ट ले लीजिए। लेने के बाद आप लोग इधर इसको स्टेटस लिख दीजिए, इसी तरह आप लोग इसको स्टेटस लिख दीजिए, इसको डन कर दीजिए ओके। उसके बाद आप लोग ये तीनों साइड आप लोग व्हाइट कर दीजिए इसका कलर, आप लोग टेक्स्ट का कलर ये तीनों साइड इधर व्हाइट कर दीजिए और इस साइड आप लोग ब्लैक कर दीजिए। उसके बाद इसको ओके राइट में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसको जो थोड़ा स्पेस दे दीजिए, इसी तरह इसको थोड़ा स्पेस दे दीजिए,
इसको एडजस्ट कर लीजिए ठीक से। उसके बाद इसको जो फ्रंट है, फ्रंट आप लोग चेंज कर लीजिए। चाहो तो आप लोग ये फ्रंट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो भी फ्रंट अच्छा लगे वो ले सकता है। तो मैंने कोई भी एक फ्रंट बेसिक दे देता हूँ। उसके बाद फिर से आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिए। इसको एडजस्ट होने के बाद आप लोग इसको ये सेव आइकन में क्लिक करके इसको जो डायमंड सैन है इसको आप लोग अल्ट्रा कर दीजिए। उसके बाद आप लोग इसको सेव टू ग्लारी, इसमें आप लोग को क्लिक करना होगा। ये सेव हो गया। तो फ्रेंड अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम आप लोग को इसी तरह वीडियो मिलते रहेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।